ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में ऐसा 45 सालों में पहली बार होगा कि रोज फेस्टिवल नहीं होगा। हर साल रोज फेस्ट का आयोजन बड़े ही गाजे बाजे के साथ किया जाता था और इस रोज फेस्ट पे लाखों लोगों का हजूम भी जुड़ता था, लेकिन इस साल रोज फेस्टिवल नहीं होगा। इसको लेकर चंडीगढ़ नगर निगम की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। सदन की बैठक में पार्षदों ने कहा कि रोज फेस्टिवल में लाखों की भीड़ जुटती है, जो कि कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ होगी। इससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा भी ज्यादा है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर रोज फेस्टिवल इस बार नहीं किया जाना चाहिए। जबकि अधिकारी रोज फेस्टिवल को मनाने के लिए 80 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव लेकर आए थे। इसके बजाय सदन में यह निर्णय लिया गया है कि इस बार रोज फेस्टिवल ना करके 20 से 30 लाख रुपए अलग से बागवानी विभाग को दिए जाएंगे, जो राशि रोज फेस्टिवल में गुलाबों की किस्म को बढ़ाने और रोज फेस्टिवल को सुंदर बनाने के लिए खर्च की जाएगी। वहीं इस बारे में बोलते हुए मेयर रविकांत शर्मा ने बताया कि इस बार कोरोना योद्धाओं को रोज फेस्टिवल समर्पित है। उन्होंने बताया कि एक छोटा सा इवेंट करके कोरोना योद्धाओं और डॉक्टरों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर रोज गार्डन का रखरखाव करने वाले मालियों को भी सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल रोज फेस्टिवल में एक माह बाद ही कोरोना काल आ गया था। वहीं पिछले साल फेस्टिवल में 86 लाख रुपए का खर्च हुआ था। हर साल रोज फेस्टिवल का उद्घाटन प्रशासक एवं सांसद करते हैं। इसकी तैयारी के लिए नगर निगम एक महीने पहले ही जुट जाता था, लेकिन अब की बार नगर निगम की सदन की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि चंडीगढ़ में इस बार रोज फेस्टिवल नहीं होगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।